हाँ जी जी गुड हेलो, इवनिंग जी, सत श्री अकाल जी। मनदीप गुड इवनिंग। क्या नाम है? नाम है मेरा, बेटी के बारे पूछना है। ओके, कितना सर बेटी जा रही एज है अमृतसर तो है सर, असी तुहाडी वीडियोस तो की? ही तुहाडा लिंक मिलिया, तुहाडी सारी वीडियोस देखी दिया ने। ठीक है, थैंक यू। सर जिहड़ा मेरा पहला क्वेश्चन है कि जून दे महीने मेरी बेटी जा रही है कैनेडा विजिटर वीजा ते, एज है उसकी 19 ईयर्स, तो सर की ये वर्क परमिट मिल सकता है उत्थे जाके? सेम प्रोसेस है जी, चाहे इंडिया तो कर लो चाहे कनाडा तो कर लो। वर्क परमिट नहीं मिलेगा? नहीं जी, मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ LMI ये लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, चाहे इंडिया तो कोई बंदा वर्क परमिट अप्लाई करता है, चाहे कनाडा तो करता है। नहीं सर, जो ओपन वर्क परमिट होता है उसमें भी सेम LMIA का ही चक्कर है? ऊपर वर्क परमिट में मिलेगा ना? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ फॉर नॉलेज से ही, मैंने पता नहीं 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 है, वो मैं तो मैं उन्हें कल समझ पूछ रही गया। हूँ। नहीं तो तुम कितों तो सुने, मैं तां पूछ रहे ना कि तुहानू इह किसने विजिटर वीजा चल जो ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। मेरा मेरा बेटा कनाडा दे विच है, वो कहंदा सी कि दो तरह के वर्क परमिट होंगे, एक होंगे क्लोज्ड एक होंगे ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट जी सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है या स्टूडेंट के स्पाउस को मिलता है, और किसी को मिलता है? अच्छा, मतलब अगर है उत्थे जाके ओपन वर्क परमिट लिए अप्लाई करेगी तो LMIA लेनी जरूरी है? मतलब वो क्लोज, इन्हों का क्लोज वर्क परमिट ही होएगा जी, वर्क परमिट ही होएगा। स्किल्ड जिहड़ी कैटेगरी दे विच हुंदा है, इन्हों का ओपन वर्क ठीक परमिट नहीं ठीक हो सकदा। समझ ओपन गई वर्क परमिट तो सिर्फ स्टूडेंट को मिलता हुंदा स्टडी तो बाहर। जिहड़ा सर, एक ये बिना एक मिनट मैडम, मनदीप जी, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी क्लियर इट वेरी वेरी मतलब क्रिस्टल, के इहदे विच अपने जिहड़े जिहड़े आपां सोचदे हुंदे आ ना कि विजिटर वीजा लवा लै बच्चे दा, असीं मतलब जां आपदा करवा लै विजिटर वीजा, किहना लैणा लिया उत्थे जाके इह करांगे कर लैंगे, सब गल नहीं है। जो प्रोसेस उत्थे तुसीं विजिटर वीजा उत्ते जाके ना तां उत्थे पढ़ाई कर सकदे हो, ना तुसीं उत्थे वर्क कर सकदे हो, सिर्फ विजिट करने वास्ते तुहानूं विजिटर वीजा मिलिया। जाके कैश ते कम कर सकदे हो, जो फड़े गए तुसीं भी जाओगे, ना जिन्हें तुहानूं बुलाया उह भी जाऊगा नाल। मेरी गल समझ? हुण की है, जे तुसीं उत्थे जाके स्टडी करनी है तां तुहानूं स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ा, उही साल दी फीस भरनी पैणी है, GST भरना पैणा। जिहड़ी वीजा पॉसिबिलिटी हैगी है उहदी भी, उह भी तुहाडी सेम रहूगी है जिवें तुहाडी इंडिया च हैगी है, चाहे इंडिया च अप्लाई करो चाहे उत्थों अप्लाई करो। इस तरह जे वर्क वीजा अप्लाई कर रहे तो तुहानूं LMIA ऑफर लैटर लेना पैणा किसी कंपनी तो, वो वर्क वीजा का प्रोसेस भी सेम ही रहना होगा। विजिटर वीजा सिर्फ विजिट करने वास्ते होगा। ठीक है, मतलब कोई होर तरीका नहीं है, मतलब उत्थे सेट होंदा? नहीं, ऐसा नहीं होता। रजिस्टर भी ना विजिट कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते। सेकंड क्वेश्चन से सर, कि अगर असि उत्थे जाके इहनू स्टडी परमिट ते लैके जाने आ, ते वो जिहड़ा लैंग्वेज कोर्स है जिहड़ा कि सेम प्रोसेस है जी, ऐ थोड़ी ना भी उत्थे तुसीं रजिस्टर वीजा ते गए, उत्थे जाके कॉलेज एडमिशन ले ली ते मैं फिर स्टडी परमिट इशू कर दूं, ऐसा थोड़ी होता। तुहाडी जिहड़ी एलिजिबिलिटी चेक होनी है वो IRCC वेबसाइट सेम पैना, आयल्स भी करना पैना, बदले नंबर जो तुहानूं इंडिया च करना पैंदा है रिक्वायरमेंट्स पूरियां, उही कैनेडा तो करनी पैणी। नहीं सर, जे अगर लड़की ने आयल्स कीती होएगी फिर उन्हें जाके करनी पड़ेगी उत्थे, नहीं जी, आयल्स कीती होनी है फिर थोड़ी करनी पएगी। फिर नहीं करनी पड़ेगी? नहीं सॉरी, स्टडी परमिट, सॉरी सॉरी स्टडी परमिट। स्टडी परमिट तुसीं ऑफर लेटर अप्लाई कर लो, नहीं उत्थे जाण दा मैनूं समझ नहीं आउंदा ना भी उत्थे जाके अपना की होयाना। अच्छा इक तां ठीक इह ठीक समझ होवे, गई, तुसी एक तो चाहते यह हो हो गए, कि? नहीं सुन लो गल, ये बहुत बड़ा मिथ है, इहदे हाँ ते मैं जी वीडियो बना भी चुके हैं थोड़े दिन पहले। ये बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स के मन दे विच, जिहड़े बंदे मैं भी मिस्टर वीजा दा तो तड़ा तड़े हुंदे है, मतलब असीं रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे मिस्टर वीजा वाला, पर मैं कदी किसी नूं ये नहीं कहिंदा। मिस्टर वीजा सिर्फ विजिट करने वास्ते है। ठीक जे कोई है, बंदा तुहानूं ये कहिंदा जाके जो उत्थे स्टडी करन लग जाओ, तुसीं वर्क करन लग जाओ, बकवास मारदा, उहनूं कुछ नहीं पता है, जां उह आपदा धंधा ठीक है। चमका रहा बस। तुसीं स्टडी वीजा इंडिया तों अप्लाई कर दो,
ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।